हाय गाइस, आज हम लेकर आए हैं पार्ट टू स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। इससे पहले हमने एक भाग बनाया था जिसमें आपको बताया था कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने, यदि किसी कण पर 3i+2j-k इकाई का बल कार्य कर रहा है तथा बल के कारण उत्पन्न विस्थापन का सदिश 2i-j+3k इकाई सदिश है, तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है W बराबर F डॉट D, ये होता है आप। तो इसका आपका जो है यहाँ पे, ये तो F का कार्य करेगा, ये D का कार्य करेगा। ये बल है तो F हो जाएगा वेक्टर, F बराबर हो जाएगा, और ये वाला आपका हो जाएगा वेक्टर D की वैल्यू। किसकी वैल्यू? वेक्टर D की वैल्यू। तो अब इसमें जो है आप इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे केवल, और आपका जो कार्य निकल आएगा। तो W बराबर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो I के गुणांक का I के गुणांक से करेंगे, और J के गुणांक का गुणा J के गुणांक से करेंगे, K के गुणांक का गुणा K के गुणांक से करेंगे, क्योंकि आई डॉट आई एक हो जाता है, जे डॉट जे एक हो जाएगा, के डॉट के का मान एक होता है। इस प्रकार से आप 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आएगा 6, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो एक बार रुकिए, यहाँ आपको क्लियर दिखाई देगा। तो W बराबर ये हो गया था आपका 6 -2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, फिर -1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3, और इसे सॉल्व करते हैं तो आता है आपका 1। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 1 जूल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि ए डॉट बी यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए का मापांक और बी का मापांक, तो ए और बी के बीच का कोण होगा? तो मैंने आपको बताया था ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ इसका मान लगाएंगे हम इस जगह पर ए डॉट बी का। तो लिखिए ए वेक्टर का मापांक, और फिर बी वेक्टर का मापांक, और फिर कॉस थीटा बराबर जो आपका दे रखा उन्होंने, वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर बी का मापांक। अब इसमें इससे इसे काट देंगे, इससे इसे काट देंगे, केवल कॉस थीटा बराबर बचेगा 1। तो आप जानते हैं जब कॉस थीटा बराबर बचा 1, तो 1 का मतलब होता है cos 0। cos से cos हटा दीजिए, थीटा की वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ आप देख लीजिए कि 0 कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए में 0 डिग्री दे रखा उन्होंने, तो आपका जो है ये 0 हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो सदिशों के बीच का कोण 90 हो तो उनका अदिश गुणनफल होगा। मैं जस्ट अभी मैंने आपको बताया है कि जब 90 डिग्री होता है तो उनका गुणनफल 0 होता है, और उनके बीच का कोण 0 होता है तो ए भी होता है। ये आप अपना याद कर लीजिए, ये तो बस याद करने वाली चीज़ है। पहले हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है कि जब 90 डिग्री हो तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है, अदिश गुणनफल 0 हो जाता है, ए डॉट बी का मान 0 हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके सामने है, यदि ए व बी दो सदिश हैं तो इनका अदिश गुणनफल होगा। तो अदिश गुणनफल मैंने आपको अभी बताया था, ए डॉट बी का मान ए बी कॉस थीटा होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें दो सदिशों का गुणनफल होता है जब एक सदिश का दूसरे सदिश से गुणा किया जाए और उसका आंसर अदिश आ जाए तो अदिश गुणनफल कहलाएगा, और यदि सदिश का गुणा दूसरे सदिश से गुणा करने पर उसका आंसर सदिश आए तो सदिश गुणनफल कहलाता है। तो यहाँ जो बात की गई है वो दो सदिशों का गुणा करने पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? तो भाई यहाँ पर देखिए, वाले इस क्वेश्चन पर चल रहे थे, तो यहाँ देखेंगे अदिश भी आ सकता है और सदिश भी आ सकता है।
ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे, क्योंकि सदिश या अदिश हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और एक प्रश्न और मैं आपको यहाँ जिक्र करूंगा, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इसमें कार के बारे में चर्चा की गई है। एक प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक कुली अपने सिर पर 15 केजी या 10 केजी जितना भी उसके सिर पर भार रखा हुआ है उसे रख करके समतल प्लेटफॉर्म पर वो भ्रमण करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस सामान को लेके जाता है। इस पर दो प्रश्न बनाता है अधिकतर वो। पहला प्रश्न बनता है कि प्लेटफॉर्म मानी ये है, यहाँ से सामान उसने उठाया और यहाँ तक गया, फिर वापस आके इसी जगह खड़ा हो जाता है, उस स्थिति में कार्य इसका शून्य हो जाता है, क्योंकि विस्थापन उसका शून्य है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के आधार पर उसका कार्य शून्य हो जाता है। दूसरी चीज ये होती है कि सामान यहाँ से लेके यहाँ पहुंच जाता है, तो कार्य बताइए कितना किया उसने। तो अगर आप इसमें थोड़ा लॉजिक लगा के देखेंगे कि उसके सिर पे भार रखा हुआ है, और भार कहाँ काम कर रहा है, एकदम ठीक नीचे की ओर कार्य कर रहा है, तो बल जो है नीचे की ओर कार्य कर रहा है, ठीक नीचे की ओर, तो उसकी दिशा में कोई विस्थापन नहीं हुआ है, बल की दिशा में कोई विस्थापन नहीं हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक बात से इस पर डायग्राम बना दूं कि ये आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ ये व्यक्ति कोई खड़ा हुआ है, इस पे ये बोझ रखा हुआ है या भार रखा हुआ है, और वो इस जगह पर आता है, इसकी सिर की ऊंचाई उतनी है जितनी यहाँ पे है, बराबर ऊंचाई मान लीजिए यहाँ पे, क्योंकि उसकी हाइट सेम है, यहाँ खड़ा है तब भी सेम रहेगी, यहाँ खड़ा तब भी सेम रहेगी, क्योंकि ये जो है प्लेटफॉर्म समतल माना गया है। कैसा माना गया है? समतल। तो यहाँ पर उसका यहाँ से यहाँ तक चला गया, क्षैतिज दूरी तो उसकी बदल गई, यहाँ पर कुछ उसने जो है दूरी तय की, लेकिन जो बल है हमेशा वो नीचे की ओर कार्य करता है, तो इस डायरेक्शन में कोई भी विस्थापन नहीं हुआ, जिस जगह पे है उसी जगह पे है, नीचे की ओर उसका कोई विस्थापन नहीं है, इसलिए अपनी फिजिक्स के अनुसार इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाता है, क्योंकि बल की दिशा में विस्थापन शून्य हो गया, और बल गुणा विस्थापन बराबर कार्य होता है, तो 0 को गुणा बल में करेंगे तो शून्य आएगा, कार्य बराबर शून्य हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।